सो हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं शेर और ऑस्ट्रिच में कौन ज्यादा तेज दहाड़ सकता है और दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पर स्थित है? नहीं तो वीडियो में बने रहे। फैक्ट नंबर वन, चमगादड़ की टांग की हड्डियां इतनी पतली होती है कि चमगादड़ की 1200 प्रजातियों में से केवल दो ही प्रजातियां वैम्पायर बैट और ब्यूरिंग बैट जमीन पर चल सकते हैं, बाकी सारी प्रजातियां जमीन पर नहीं चल सकती है। फैक्ट नंबर टू, दुनिया का अभी तक का सबसे बूढ़ा हाथी एशियन हाथी था जिसका नाम लिंग वेंग था, जो कि फरवरी 2003 में ताइवान के एक चिड़ियाघर में 86 साल के उम्र में उसकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर थ्री, पूरी दुनिया में सुअरों की जितनी प्रजातियां पाई जाती है उनमें से लगभग आधे सुअर चीन के किसानों द्वारा पाले जाते हैं। फैक्ट नंबर फोर, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भारत के लखनऊ में स्थित है जिसका नाम द सिटी मोन्टेसरी है, जिसमें लगभग 45,000 बच्चे पढ़ते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, पिछली वीडियो में तो मैंने आपको बताया ही था कि कुत्ते इंसानों से कई गुना अधिक सूंघ सकते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना। कुत्तों के बारे में एक और फैक्ट है कि कुत्ते इंसानों से 5 गुना अधिक देख सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। फैक्ट नंबर सिक्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ इंसानों को ही शराब पीना और नशा करना पसंद है तो शायद आप गलत हैं। रॉयल स्टडी साइंस के 2015 के अध्ययन के अनुसार गिनी के चिंपैंजी भी तार की टहनियों से निकलने वाला रस का सेवन करते रहते हैं जो कि नशीली होती है, और ऐसा चिंपैंजी बार बार करते रहते हैं क्योंकि शायद उन्हें भी नशा करने में मजा आता हो। फैक्ट नंबर सेवन, आपने शेर की दहाड़ तो सुनी होगी पर क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रिच शेर से भी तेज आवाज में दहाड़ सकता है? ये आवाज नर ऑस्ट्रिच निकालते हैं जो कई बार मादा ऑस्ट्रिच को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होता है, तो कई बार किसी खतरे से अपने समूह को जागरूक करने के लिए होता है। फैक्ट नंबर एट, नर घोरों के पास मादा घोरियों के मुकाबले ज्यादा दांत होते हैं। घोरों के 40 से 42 दांत होते हैं जबकि घोरियों के 36 से 40 दांत होते हैं। फैक्ट नंबर नाइन, अगर आप नोकिया 1100 का इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपको सुनकर गर्व होगा कि यह इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। अब तक 25 करोड़ नोकिया 1100 बिक चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है? इस दिन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा भी किया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।